हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है एंशिएंट हिस्ट्री से। यहाँ पर पूछा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर। ठीक है, देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स है। नाउ पहला स्टेटमेंट है दे पजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, सो दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। और तीसरा स्टेटमेंट है उनकी टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर के बारे में। तो यहां पर पूछा गया है कि दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। फाइन, नाउ इफ आई लुक इनटू दीज स्टेटमेंट्स वन बाय वन, तो सबसे पहला अगर आप स्टेटमेंट यहां पर देखें तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है? तो हमें कोई भी पैलेस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी टेम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं दिखाई देता। इस टेम्पल के पॉइंट को लेके भी आगे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें टेम्पल जैसे मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डीटी, ये करेक्ट है। ठीक है, पशुपति की भी आपने यहाँ पर बात सुनी होगी, या जो मदर गॉडेस की एक मूर्ति हमें दिखाई देती है, तो वहां से हम लोग ये तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये जो पूरा सिविलाइजेशन है मेल और फीमेल दोनों ही डीटीज में बिलीव करता है। देन थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आएगा कि हॉर्स ड्रॉन चैरियट वहां पर नहीं थे। ठीक है, इसको लेके 2017 में एक और सवाल भी बनता है। फाइन, वी विल कम टू दैट क्वेश्चन ऑल्सो कि हॉर्स के बारे में 2017 में क्या पूछ लिया गया। अगर आपने यहाँ पर वैल्यू एडिशन सही से करी होगी तो आप 2017 का क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे से लिख पाएंगे। फाइन, सो वी हैव दिस स्टेटमेंट एज इनकरेक्ट अगेन। तो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नाउ कीवर्ड और कॉन्सेप्ट क्या क्या यहाँ से पिक करनी है, कहाँ पर वैल्यू एडिशन करनी है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। कीवर्ड और कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं आर्किटेक्चर की बात करूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के। रिलीजन के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, बाय एंड लार्ज पिछले कुछ दिनों में इसके इसको लेके अपडेट भी आए हैं और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी यूपीएससी का बना हुआ है। तो आई विल डिफाइनेटली अंडरस्टैंड की आस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। टेक्नोलॉजी वॉरफेयर को लेके भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं या मोटिव कौन से हैं, उसको लेके भी एक वैल्यू एडिशन हम लोग कर लेंगे। नाउ अगर मैं स्टेटमेंट को वन बाय वन ट्रीट करूँ यहाँ पर, तो पहला स्टेटमेंट जो था जिसमें कहा था कि पैलेसेस और टेम्पल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं दिखाई देगा। बाय एंड लार्ज अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखें तो ये पब्लिक बिल्डिंग्स है। फाइन, तो ये ग्रैंड पैलेसेस नहीं है किसी अथॉरिटी के लिए, किसी किंग के लिए, या रिलीजन के पर्पस के लिए भी यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देते। दूसरे स्टेटमेंट में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या क्या यहाँ पर पाया जाता है पशुपति और मदर गॉडेस के बारे में, और हॉर्स को लेके भी देर इज एब्सोल्युटली नो कंक्लूसिव एविडेंस कि यहाँ पर हॉर्सेस पाए जाते थे या चेरियट्स भी पाई जाती है। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैड टू लुक इन टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। अब और आगे बढ़ते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। अब ये थोड़ा सा ना हिस्ट्री का एरिया ट्रिकी हो जाता है, जिसमें फैक्ट्स को करेक्ट पाना एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जहाँ जहाँ से मैंने सारे फैक्ट्स कलेक्ट करे हैं, आई ऑल्सो हैव दी लिंक्स अबाउट इट कि हम किस बेसिस पर ये सारे ही फैक्ट्स यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर की बात करें, एवरीवन नोज ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स है, ड्रेनेज सिस्टम है, जो ब्रिक्स है वो बेक्ड ब्रिक्स है, किन फायर्ड और यूनिफॉर्मली साइज्ड ब्रिक्स आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अगर कुछ पब्लिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रेट बाथ जैसा एक पब्लिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा मोहनजोदड़ो में। एट द सेम टाइम इसका पर्पज भी समझ लीजिए, ये स्पेसिफिकली रिचुअलिस्टिक या रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था, मतलब रिलीजन का प्लेस आपको इस पूरी सोसाइटी में दिखाई देगा। एट द सेम टाइम टेम्पल्स नहीं है, लेकिन कुछ एक ग्रेट बाथ जैसी पब्लिक लोकेशंस या पब्लिक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अब ये आपको इस्टेब्लिश भी कराती है कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी में क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, और कम्युनिटी आस्पेक्ट भी आपको यहाँ पर हाईलाइट होते हुए दिखाई देता है कि दिस कम्युनिटी वॉज टुगेदर और कई सारे रिचुअल्स जो है वो एक साथ परफॉर्म करने में बिलीव करते थे। ग्रेनरीज को स्टोर करने के लिए भी आपके पास यहाँ पर ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो किस प्रकार से फूड स्टोरेज किया जाता था, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो या उसकी प्लानिंग की बात हो, ये भी एस्पेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें दिखाई देता है। उसके बाद कुछ एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी है, अब उसका भी प्लान और लेआउट देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया है। अपर सिटेडल और लोअर सिटेडल की बात होती है, अपर में जितने भी अथॉरिटीज है उनका निवास वहां पर होगा, लोअर में जो कॉमन पॉपुलेशन है उसका निवास होगा। तो वो बेसिक बेसिक चीजें एनी वे यू नो। फोर्टिफिकेशन भी यहाँ पर है, इसको लेके भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स दिखाई देती है। तो यस, फोर्टिफिकेशन सेटलमेंट्स में किया गया है। नाउ रिलीजन की बात करें,
यहाँ का जो रिलीजन है बेसिकली जो नेचर होता है, नेचर को पूजने वाला एक रिलीजन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाई देगा। और उसी के साथ फिर आपको कुछ एक सिंबल्स भी दिखाई देते हैं, पशुपति सील की हमने ऑलरेडी बात करी है। इसको कहा जाता है कि ये प्रोटो शिवा या नेचर नेचर डीटी जो है वो हो सकती है। योगिक पोज में ये दिखाई देती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जहां पर सवाल पूछा जाए। आगे बात करते हैं मदर गॉडेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मदर गॉडेस है। पशुपति का अगर आप सील देखें तो यहाँ पर आपको एनिमल्स दिखाई देंगे, इन एनिमल्स को लेके भी सवाल बनता है। क्या क्या एनिमल्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, वी विल सी एग्जैक्टली इन नेक्स्ट पार्ट। नाउ रिचुअल्स की कुछ एक बात करें, फायर ऑल्टार्स भी पाए गए हैं कालीबंगान में, यहाँ पर फायर ऑल्टार्स पाए गए हैं, तो इसका मतलब ये भी है, तो नेचर को तो पूजा जाता ही था, एट द सेम टाइम फायर भी पूजनीय थी। नो लार्ज टेम्पल्स आर फाउंड, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। स्वस्तिक जैसा एक सिंबल यहाँ पर पाया जाता है, दिस कैन बी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पीपल ट्री भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको एनिमल मोटिव तो दिखाई देते हैं, ऑलरेडी हम लोग एनिमल मोटिव की बात कर चुके हैं, क्या क्या एनिमल्स यहाँ पर पाए जाएंगे। हियर यू कैन वेरी वेल सी ये शिवा और उसके साथ जितनी भी सील में एनिमल्स हैं, वो सारे सील एनिमल्स आपको ध्यान में रखने हैं, बट एडिशनली पीपल ट्री भी आपको यहाँ पर ध्यान में रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजी वॉरफेयर की बात करें तो मेटलर्जी यहाँ पर पाई जाती है, कौन से मेटल्स पाए जाते हैं इसको लेके सवाल हो सकता है, तो ब्रॉन्ज और कॉपर जो है ये तो मेजरली पाए ही जाते हैं। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव एविडेंसेस ऑफ गोल्ड, सिल्वर, टीन, लीड इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इसको लेके सवाल बन सकता है कि देयर वॉज नो आयरन विच वॉज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। कुछ पॉटरी की भी बात कर ली जाए, विल थ्रोन पॉटरी आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ब्लैक ऑन रेड पॉटरी जैसे कुछ एक आइटम्स हमें मिले हैं। उस पॉटरी के ऊपर एनिमल डिजाइन है, जियोमेट्रिक शेप्स भी आपको बनाए हुए दिखाई देंगे। बीड भी इंपॉर्टेंट थी, वो भी ध्यान में रखेंगे। देन एग्रीकल्चरल टूल्स की बात करें, सिकल और प्लोज पाए जाते हैं, कौन से ग्रेन्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो भी मैंने लिख लिए हैं, बार्ली, व्हीट, मिलेट, लेंटिल्स और पॉसिबली राइस की भी यहाँ पर बात करी गई है। नाउ अगर ग्रेन कभी पूछे गए तो ग्रेन में क्या पूछा जा सकता है, व्हीट और बार्ली आपको ध्यान में रहेगा। ध्यान में रखिएगा कि कुछ एक जगहों पर मिलेट्स भी पाई गई हैं, क्योंकि मिलेट्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले कुछ सालों से। राइस की भी यहाँ पर बात करी गई है, नेचुरल इंक्लिनेशन आपका राइस सिलेक्ट करने में नहीं होगा, बिकॉज बाय एंड लार्ज हमारी मेमोरी ऐसी कि राइस जो है वो सदर्न एरियाज में पाए जाते हैं, बट यहाँ पर कुछ एक एविडेंस राइस के पाए गए हैं। वेपन्स की बात करें तो ये थोड़ी सी पीसफुल सोसाइटी थी ऐसे कहा जाता है, दैट इज वाई वी डू नॉट हैव हार्डकोर वेपन्स आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देते, और इसीलिए वो चैरियट वाला जो मुद्दा है, चैरियट वाले मुद्दे से ये भी सवाल बन सकता है कि यहाँ पर लाइक कि सोसाइटी कैसी थी, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सोसाइटी जो है पीसफुल है, ना चैरियट्स आपको दिखाई देंगे ना बहुत ज्यादा वेपन्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक वेपन जो होते हैं डे टू डे लाइफ के वही दिखाई देंगे, युद्ध लड़ने के लिए या वॉर के लिए कोई एक वेपनरी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देती। एनिमल्स की बात करें, बुल, एलिफेंट, राइनो, यूनिक, यूनिकॉर्न, ये सब आपको वो पशुपति सील में दिखाई दिए। डोमेस्टिकेशन भी ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड थे, सो वी हैव कैटल, बफेलो, गोट्स एंड शिप जो कि डोमेस्टिकेटेड थे, डॉग्स भी हुआ करते थे, पॉसिबली कैमल्स भी यहाँ पर थे, लेकिन हॉर्सेस यहाँ पर नहीं पाए गए। ठीक है, तो ये तो रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ एक आस्पेक्ट के बारे में, क्या क्या वैल्यू एडिशन आपको ध्यान में रखनी है उसकी बात करें। अब इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाए, 2017 का ये सवाल है। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। एक्चुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबकी दिक्कत ये हो गई थी कि ये जो तीसरा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग हॉर्स, वहीं पर सब लोग अटक गए थे कि हॉर्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। क्लियरली इन सारे रीजन्स में हॉर्स नहीं पाए जाते, एंड फिर अगर आपने वहां पर वैल्यू एडिशन करी होगी सो यहाँ पर आप उसका आंसर सही से दे सकते थे। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है करंट अफेयर्स। क्यों करंट अफेयर्स में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आइडेंटिफिकेशन को 100 साल हो चुके हैं। ठीक है, और अब 100 साल होने के बाद कई सारे आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में छपे, जिसमें ये कहा गया कि किस प्रकार से इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का आइडेंटिफिकेशन हुआ था। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे साहनी, उनका भी कुछ एक रेफरेंस इन सारे आर्टिकल्स में आया, जॉन मार्शल की बात इन सारे आर्टिकल्स में करी गई, तो मैंने पूरे आर्टिकल्स यहाँ पर नहीं कंटेंट उसका लिया है, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि क्या क्या आर्टिकल्स इस पूरे इशू को लेकर पिछले 2-4 महीने में मुझे दिखाई देते हैं। तो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का लॉस कैसे हुआ होगा, तो उसको लेके मेटियर की कुछ एक स्टडी सामने आई है, दूसरी स्टडी आई मॉनसून शिफ्ट को लेके कि शायद मॉनसून शिफ्ट
रिस्पॉन्सिबल था इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेथ के लिए। उसमें एक मेघालयन एज की बात होती है जो स्टार्ट होता है अराउंड 4200 ईयर्स होगा, और वहाँ से फिर मानसून के रेनफॉल में 30% के आसपास कुछ एक डिक्लाइन होता है, तो वो कुछ एक लिंक यहाँ पर बन सकती है। एनसीईआरटीज में भी कुछ एक कंटेंट बनाया इस साल, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन को लिखा गया है, तो उसको लेके भी सवाल बन सकता है। एंड देन वी नो कि दिस लाइक कि जॉन मार्शल ने उसको अनाउंस किया था, 100 ईयर्स हो चुके हैं। बाकी फिर ये न्यूज़ में बना रहता है, तो देख लीजिएगा क्या क्या न्यूज़ में इश्यूज बने हुए। सो दिस वाज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन। किसी एक सेशन में ना इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर ये सारा न्यूज़ का क्या मामला है उसका एक वैल्यू एडिशन सेशन कर लेंगे, 5-10 मिनट का काम होगा। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।